झारखंड में मांझी हड़ाम संथाल आदिवासी समाज पर पुलिसिया जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्याय और अपने अधिकार के लिए तीव्र आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने पर बाध्य नहीं करे पुलिस प्रशासन। उक्त बाते सुदामडी लीवर साइड लाल मैदान में रविवार को मांझी हड़ाम आदिवासी समाज की एक बैठक को संबोधित करते हुए सोनत संथाल समाज के झरिया प्रखंड सचिव किशोर मुर्मू ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बागमारा थाना क्षेत्र के आदिवासी गोपालपुर गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में युवती के घर वालों ने युवक सतेंद्र सोरेन 25 वर्षीय की हत्या कर दी है और सबको जंगल में एक पेड़ पर लटका दिया था। जिस हत्या के मामले में बागमारा पुलिस ने मृतक के चाचा निमाई सोरेन और नेपाल सोरेन को सुदामडी लीवर साइड से हिरासत में लेकर 3 दिनों तक पूछताछ करती रही। इस दौरान थाना हाजत में दोनों भाई के साथ पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हुए अमानवीय व्यवहार करती रही, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करना होगा। बैठक का संचालन कर रहे मांझी हड़ाम आदिवासी समाज के नेता मंगल मुर्मू ने कहा कि मृतक के सौतेले पिता एवं आदिवासी समाज का प्रधान मोतीलाल सोरेन ने अपने पुत्र को अगवा करने की शिकायत 22 जुलाई को बागमारा पुलिस को दे दी थी, परंतु पुलिस छानबीन तक नहीं किया। तब तक प्रेमिका के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, जिसका शव 23 जुलाई को जंगल के एक पेड़ में लटका पाया गया। मुर्मू ने कहा कि इस पुलिस दंडात्मक व अमानवीय रवैये के विरुद्ध मांझी हड़ाम आदिवासी समाज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर बागमारा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे तथा न्याय के लिए ह्यूमन राइट्स STSC आयोग जाएंगे। बैठक में धनबाद एवं बोकारो जिले के सैकड़ों आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लिया, जिसमें हिमहंस दा, मनोज एब्रम, चंदन एब्रम, भरत हसंता, विराम मरांडी, मनोज बेसरा, रोहन मुर्मू, विकास मुर्मू, सीताराम किस्को, बुधनी देवी, सजली देवी, रूनी देवी आदि उपस्थित थे। लाल मैदान सुदामडी, आप लोग यहाँ आदिवासी समाज का बैठक किस कारण से कर रहे हैं? इस कारण से हुए हैं कि हम गांव वाला को यहाँ से तो हम लोग 10 जगह का आदमी हम लोग है, इसलिए हम लोग मीटिंग रखे हैं कि चलो हमको सुदामडी से लेके गया थाना वाला, अब मारपीट हमसे हुआ। किस कारण आपको ले गया था, कारण क्या था? कारण था मेरा भतीजा का मर्डर हुआ था गांव में। कहाँ पे? गोपालपुर में। अच्छा, गोपालपुर में मर्डर हो रहा है और आपको लेके जा रहा है। के मर्डर किया था? अब वो हमको मालूम नहीं। किस कारण से उनका हत्या? लड़की का मैटर, प्रेम प्रसंग का मामला। प्रेम प्रसंग तो उसमें क्या हुआ था उनके साथ? उसके बाद से दिन में उन लोगों को मारपीट भी किया। दिन में क्या सूचना मिला आपको? सूचना तो हमको डेड बॉडी जब डेट हो रहा है तभी हमको सूचना मिल रहा है कि तेरा भतीजा अभी नहीं है, मार करके गाछ में टांग दिए। किसके द्वारा टांगे ये नहीं बताया गया? ये नहीं बताया हमको। कौन सूचना दिया आपको? हमको दिया मेरा चाचा दिया और मेरा भाई छोटा भाई दिया। तो आप लोग सूचना के आधार पर क्या किया? हम लोग उसका थाना वाला हम लोग बोले, गोमो थाना वाला एक तो चौकीदार है वहाँ से हम लोग बोले कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग को थाना में कोई कर दीजिए। तो थाना गोमो थाना वाला बोल रहा है कि नहीं, हम लोग का एरिया नहीं पड़ता है, बागमारा थाना का एरिया पड़ता है, उन लोग को बोलिए। हम लोग बागमारा थाना हम लोग बोले, ठीक है, आप बागमारा थाना वाला चलाया उसके बाद पोस्टमार्टम करने के लिए लास्ट को उतारा, उसके बाद DSP आया, उसके बाद लड़की वाला को उठा लो, मेरा सामने बोला तो लड़की वाला को उठा लो, उसका उठा के ले गया, उसके हम लोग भी पोस्टमार्टम करने के लिए ले गए लड़का का। हाँ, लड़का का हम लोग लेके गए, उसके बाद वहाँ से आए पोस्टमार्टम, उसके बाद रख दिए। हम लोग एक दिन तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ, रात हो गया, उसके बाद फिर दूसरा दिन हम लोग गए, दूसरा आकर के पोस्टमार्टम आकर के फिर हम लोग वहाँ से 12 बजे रात में आए और मिट्टी अपना आदिवासी करके मतलब उसका अंतिम संस्कार कर दिए। फिर क्या हुआ उसके बाद? हमको उसके बाद मंगलवार को हमको सोमवार को हमको पुलिस यहाँ से अरेस्ट कर रहा है। क्या बोल के अरेस्ट किया? तो कुछ नहीं, बड़ा इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए लेके जा रहा है और उसके बाद लेके जा रहा है, उसके बाद एकदम मारपीट कर शुरू। कहाँ पे मारपीट किया गया? थाना में, बागमारा थाना में। किसके किसके साथ किया गया? मेरा छोटका भाई हमसे। छोटका भाई का नाम क्या है आपका? संजय सोरेन। आपका क्या नाम है? सोमाय सोरेन। तो फिर उसके बाद हम लोग को लेके गया, उसके बाद हम लोग को बहुत टॉर्चर किया, गाली गलौज बहुत किया। क्या बोलना था उनका? उसका हम लोग बोल के नहीं, तुम लोग किया है, मतलब हत्या तुम लोग किया? हाँ, तुम लोग किया है, जमीन का विवाद नहीं तुम लोग का चल रहा है, ना हम लोग के पास ना जमीन मांगने आया था मेरा भतीजा, ना हम लोग बंटवारा करते उसके लिए कुछ नहीं आया था। अभी हम लोग पे जो आरोप लगाया वो क्या सही है या गलत है? गलत है।
आप क्या मांग करते हैं जिला? हम सब मांग रहे कि मैंने हम सजा उन लोग को हम दिलाएंगे। किसको सजा है? जो भतीजा की हत्या किया उस आदमी? हाँ, जो हत्या किया उन लोग को। किससे मांग करते हैं आप? जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे, मैंने हमको इंसाफ चाहिए। हम बेदोष आदमी को हम लोग को मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इतना एक इस मामले को लेकर आप लोग कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम? हम लोग हर जगह जहाँ जहाँ जाने का रहेगा वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। आंदोलन भी करेंगे? हाँ, आंदोलन भी हम लोग कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सोमाय सोरेन। चलिए, का सुदामडी लाल मैदान है। किस मामले के लिए आपका समाज बैठक कर रहा है? आज जैसा कि सूचना हमें मिला है कि ये जो घटना घटी है। क्या घटना घटी है? जो हत्या हुई है गोपालपुर में। हाँ, किसकी हत्या? बागमरम के सोमाय सोरेन का जो है भतीजा है ना, भतीजा है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो है जो इसका घटना का जो सही गुनहगार है, जो गुनाह करते हैं उनको तो सजा मिलता ही है, उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन जो निर्दोष आदमी है उनसे जो है जो इस तरह का बर्बरता या अन्याय किया जा रहा है ये अच्छा नहीं है। और हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और जो है दूध का दूध पानी हो, हम यही चाहेंगे। और इसके लिए जो है जहां भी हो हम लोग अपने समाज की तरफ से जो है हम चाहेंगे कि इसके लिए जो है हम जागरूकता भी फैलाएंगे कि इस तरह का जो है घटना भविष्य में ना घटे। और हम यही चाहेंगे कि इस तरह का जांच जो है सही दिशा में होना चाहिए, गलत निर्णय नहीं होना चाहिए। अगर इस पे आपका प्रशासन नहीं काम करती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगर प्रशासन अगर काम नहीं करती है इस पर तो हम लोग और भी जो है आगे बढ़ करके उच्च स्तरीय हम लोग जांच कराने का जो है। कहाँ कहाँ जाने का आप लोगों का प्रोग्राम है? हम लोग जैसा कि अभी बोले जो है जहाँ तक भी होगा संभव हम लोग वहाँ तक अपना लड़ाई लड़ेंगे। परिचय दे दीजिए, क्या है आप समाज के? हम किशोर मुर्मू हैं और झरिया प्रखंड के सेक्रेटरी हैं समाज के।